जय हिंद दोस्तों। आठवें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कई लोगों के ऐसे सुझाव थे कि आठवां वेतन आयोग नहीं लगेगा, अब डायरेक्ट फिक्सेशन होगा, ऑटोमेटिक फिक्सेशन होगा। तो इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है, इसमें लिखित जवाब दिया है। लिखित प्रश्न संख्या है 1807 और ये मंगलवार 2 अगस्त 2022 में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया है। इसमें पूछा है सवाल, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों व वेतन भत्तों पेंशन की समीक्षा के तौर पर श्री नारायण भाई जे राठौड़ ने सवाल पूछा है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्होंने सवाल क्या किया है? क्या यह सच है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भत्ते, वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की का गठन नहीं करने जा रहा है, यानी कि आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं करेगा, ये ऐसी खबर चल रही थी। तो उसका सवाल उन्होंने पूछा है और कहा है कि हाँ, अगर यदि हाँ है, यानी कि इसका आयोग का गठन नहीं होगा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण है कि ये गठन नहीं किया जा रहा है। और भी उन्होंने पूछा है कि क्या यह सच है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने की बजाय इसमें प्रत्येक वर्ष में इसकी समीक्षा की जाए, यानी कि आठवां वेतन आयोग ना लग के हर साल इसकी समीक्षा की जाए, हर साल वेतन बढ़ाया जाए। तो ये करने जा रही है क्या सरकार? यदि हाँ, तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को अभी लागू करने का क्या कारण है? अगर साल में मतलब उसका करने जा रही है तो उसका क्या कारण है, और अगर आठवां वेतन आयोग नहीं ला रहे हैं तो इसका क्या कारण है? तो इन्होंने जवाब दिया है, ये है वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया है कि जी नहीं, यानी कि उनका आंसर है कि जो आठवां वेतन आयोग है वो हर साल नहीं, आठवां वेतन आयोग लागू होगा और आठवें वेतन आयोग लगेगा। तो उन्होंने जवाब दिया, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि 10 वर्ष की लंबी अवधि तक प्रतीक्षा किए बिना पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, यानी कि हर साल पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, आठवां वेतन आयोग ना लगा के इसको हर साल करना चाहिए। इसे स्क्वायर्ड फार्मूला के आधार पर पुनरीक्षण संशोधन किया जा सकता है। तो इसको इन्होंने कहा कि ये हर साल नहीं होके सिर्फ 10 साल में ही होगा और इसका मूल्यांकन केवल 10 साल में होगा, यानी कि आठवां वेतन आयोग गठित होगा और इसको सरकार जल्द गठित करेगी। तो ये फार्मूला जो है वो नहीं चलेगा, जो पहले चल रहा था वही चलेगा, यानी कि आठवां वेतन आयोग लगेगा। अब इसमें इसके आठवां वेतन आयोग में कमेटी भी गठित की जाएगी। तो ये है केंद्र सरकार का लेटेस्ट अपडेट, आठवां वेतन आयोग गठित होगा, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।